फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी गोदारा। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन का टेस्टी यम्मी यम्मी चीला। और ये जो बेसन का चीला होता है, ये बहुत ही हेल्दी भी होता है और ब्रेकफास्ट में बहुत जल्दी आसानी से बन जाता है। तो मैं कुछ अपनी वीडियो में इसके अच्छे से जल्दी बनाने के और टेस्टी बनाने के टिप्स बताऊँगी। तो चलो चलते हैं। इसके लिए मैंने जो यहाँ पर सामान लिया है वो है शिमला मिर्च, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बेसन है एक बोल, और यहाँ पर बारीक कटे हुए प्याज और बारीक कटा हुआ धनिया। सब्जियों के बाद अब आते हैं हम मसालों पर। मसालों में नमक, मिर्च और अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और कस्तूरी मेथी और अजवाइन, इन सब के साथ मैं बनाऊंगी टेस्टी टेस्टी बेसन का चीला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले बोल लिया, उसके अंदर बेसन ऐड किया, प्याज और शिमला मिर्च, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और अब धनिया यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा ही कलरफुल और टेस्टी और हेल्दी भी बनता है। मैंने यहाँ पर लाल मिर्च की जगह चिल्ली फ्लेक्स लिए थे, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन हेल्दी होती है और ठीक भी रहती है, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला, अमचूर पाउडर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं, कोई ज़्यादा मसाले भी नहीं लिए हैं मैंने और ना ही कुछ ज़्यादा इसमें ज़्यादा मिर्च वगैरह भी ऐड की हैं। बहुत ही सिंपल और हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है ये, और कम से कम 15-20 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एकदम इसके अंदर सारा पानी ऐड नहीं करना है, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालकर उसको मिक्स करते रहें। ये घोल बनने के बाद फ्रेंड्स, इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए रख दिया था। और अगर आपको लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, अगर आपको लगे कि उसके अंदर पानी डालना है तो हमें पानी डालना है। अब हमने एक ले लिया है फ्राई पैन और इस पे ब्रश की हेल्प से मैंने लगा दिया है ऑयल। ऑयल लगाने के बाद फ्रेंड्स, इसको एक स्पून दो स्पून जितना बड़ा और जितना छोटा बनाना है वो हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं, और उसको अब अच्छे से चारों तरफ फैला देना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, इसमें एक चम्मच बैटर डालना है, दो चम्मच, ये सारी चीज़ें अपने ऊपर डिपेंड होती हैं हमें कितना पतला और कितना मोटा बनाना है। मैंने यहाँ पर छोटे वाले जो हैं 3 चम्मच मिक्सचर डाल दिया था, और जब नीचे से थोड़ा सा ये फूल जाए और इसके कलर में चेंज हो जाए, ये आसानी से चारों तरफ से अपने आप छूट जाए, तो फ्रेंड्स उसके बाद ही इसको हमें पलटना है। ये देखो, ये बिल्कुल आसानी से उतर गया था और मैंने अब इसको पलट दिया। तो फ्रेंड्स, ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और दिखने में भी टेस्टी होता है और बनाने में भी बहुत ही सिंपल होता है। इसमें कम ऑयल से भी ये बन जाता है, हमें ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं होती और बच्चे इसको बहुत टेस्ट के साथ खाते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें एक भी बात है, और बच्चों के लिए स्कूल के टिफ़िन के लिए भी हम इसको बहुत आसानी से बना लेते हैं और सिंपल तरीके से, और बच्चों को ये जो है बेसन का चीला बहुत ही पसंद आता है। मॉर्निंग में अगर सब्जियां बनाएंगे हम और उसके लिए रोटियां बनाएंगे, इससे अच्छा है कि चटपट मिनटों में हम ये नाश्ता बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, और ये हेल्दी भी होता है। तो फ्रेंड्स, जो ये बेसन का चीला है, ये देखो मैंने दूसरा तीसरा मैंने बहुत सारे रेडी कर लिए हैं थोड़ी सी ही देर में। बस हमें ध्यान रखना है कि इसको नीचे से थोड़ा सा होने के बाद हमें इसे आसानी से फिर पलट देंगे। देखो फ्रेंड्स, इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया, ये अच्छी तरह से पक गया है। फ्रेंड्स, ये जो है, ये चीला जो है, ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसको डाइट वाले लोग भी ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम सॉस के साथ या केचप के साथ, मैंने पहले बताया ग्रीन चटनी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और ये जो मेरा टेस्टी सा हेल्दी सा नाश्ता है वो बनके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने बच्चों को खिलाना, टिफ़िन में देना और वेट लॉस भी करना साथ के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, अच्छे से अच्छे सबको शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट मुझे देना, ताकि मैं जल्दी ही नेक्स्ट अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूं और लाती रहूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लेना। ओके, बाय, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेस्टी टेस्टी बेसन का चीला रेडी है। बाय फ्रेंड्स।